हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम बी टेक शो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाओमी के सब ब्रांड पोको F1 वर्सेस ऑनर प्ले के बारे में। तो दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद दोस्तों आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा इन दोनों से कौन सा फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों से शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। तो Xiaomi के सब ब्रांड पोको F1 में आपको बैक में देखने मिल जाता है एल्युमिनियम फ्रेम के साथ में पॉलीकार्बोनेट बॉडी डिजाइन। बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है। बैक में डुअल रियर कैमरा देखने मिल जाता है विद LED फ्लैश। और फ्रंट पर देखने मिल जाती है नॉच डिस्प्ले। और ऑनर प्ले में दोस्तों आपको एल्युमिनियम फ्रेम के साथ में बैक में देखने मिल जाता है मेटल बॉडी डिजाइन। बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है। और दोस्तों, इसमें भी आपको बैक में डुअल रियर कैमरा देखने मिल जाता है विद LED फ्लैश। और फ्रंट में देखने मिल जाती है नॉच डिस्प्ले। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी में आपको ऑनर प्ले की दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफी मजबूत देखने मिल जाती है क्योंकि इसमें आपको मेटल बॉडी डिजाइन देखने में मिलता है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों डिस्प्ले की। तो Xiaomi के पोको F1 में आपको देखने मिल जाती है 6.18 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले विद 89 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। ऑनर प्ले में भी दोस्तों आपको देखने मिल जाती है 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले विद 19.59 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। और दोस्तों, एंड्रॉइड की बात की जाए तो Xiaomi पोको F1 में आपको देखने मिल जाता है 8.1 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 9 के साथ में। और ऑनर प्ले में दोस्तों आपको 8.1 ओरियो मिल जाता है EMUI 8.2 के साथ में। दोनों डिवाइस में आपको खुद का कस्टम UI देखने मिल जाता है। तो दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं दोनों डिवाइस के प्रोसेसर के बारे में। तो Xiaomi के पोको F1 में आपको देखने मिल जाता है Qualcomm Snapdragon का 845 का प्रोसेसर जो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस में ही देखने के लिए मिलता है। वहीं बात कर लेते हैं ऑनर प्ले की। तो दोस्तों, इसमें आपको देखने मिल जाता है हेली सिलिकॉन किरिन 970 का प्रोसेसर। हुआई कंपनी इसे अपने फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस में यूज़ करती है दोस्तों। और ये प्रोसेसर भी काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, मगर एक डिवाइस की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 845 का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर देखने मिल जाएगा दोस्तों हेली सिलिकॉन किरिन 970 से। दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं दोनों डिवाइस के GPU की। तो Xiaomi के पोको F1 में आपको देखने मिल जाता है Adreno का 630 का GPU और Honor Play में आपको देखने मिल जाता है Mali का G72 का GPU। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों डिवाइस के रियर कैमरे की। तो Xiaomi पोको F1 में आपको बैक में डुअल रियर कैमरा देखने मिल जाते हैं 12+5 मेगापिक्सल के और Honor Play में आपको देखने मिल जाता है 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा। वहीं बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। तो Xiaomi के पोको F1 में आपको देखने मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। वहीं Honor Play में आपको देखने मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और दोस्तों, दोनों ही डिवाइस के कैमरों में आपको AI का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। दोस्तों, ऑन पेपर देखा जाए तो Xiaomi के पोको F1 का कैमरा ज़्यादा बेहतर लग रहा है ऑनर प्ले के कैमरे से। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी की। तो Xiaomi पोको F1 में आपको देखने मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी जिसमें आपको क्विक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। वहीं ऑनर प्ले में आपको देखने मिल जाती है 3750 mAh की बैटरी और दोस्तों इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोनों डिवाइस में आपको USB टाइप सी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर बैटरी देखने मिल जाती है आपको Xiaomi पोको F1 में। दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं दोनों डिवाइस के रैम स्टोरेज एंड प्राइस की। तो Xiaomi पोको F1 में आपको इंडिया के अंदर 3 वेरिएंट देखने मिल जाते हैं 6GB 64GB और 6GB 128GB 8GB 256GB। 6GB 64GB का इंडिया के अंदर प्राइस रखा गया 21,000 रुपये और 6GB 128GB का प्राइस रखा गया है 24,000 रुपये और 8GB 256GB का प्राइस रखा गया है दोस्तों 29,000 रुपये। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों ऑनर प्ले की। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर 2 वेरिएंट देखने मिलते हैं 4GB 64GB और 6GB 64GB। 4GB 64GB का दोस्तों प्राइस रखा गया इंडिया में 20,000 रुपये और 6GB 64GB का प्राइस रखा गया इंडिया में 24,000 रुपये। और दोनों ही डिवाइस में दोस्तों आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आप माइक्रो SD कार्ड डाल के 256GB तक इसकी इंटरनल स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं सेंसर के बारे में। तो दोस्तों, दोनों डिवाइस में आपको सभी तरह के सेंसर देखने मिल जाएंगे और दोनों ही डिवाइस में आपको फेस अनलॉक के साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा। और Xiaomi का कहना है दोस्तों पोको F1 में जो फेस अनलॉक दिया गया है वो काफ़ी पावरफुल फेस अनलॉक है और अंधेरे में काफ़ी अच्छी तरह से काम करेगा और दोस्तों यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी को भी काफ़ी अच्छी तरह से सेफ रखेगा। तो दोस्तों, आपने फिल्ली कंपेरिजन इन दोनों डिवाइस का इस वीडियो में देख लिया होगा। दोस्तों, अब बात आती है कि इन दोनों से कौन सा डिवाइस आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो दोनों डिवाइस अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी क्लियर स्पेसिफिकेशन देते हैं आपको। मगर दोस्तों, पोको F1 की बात की जाए तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon का 845 का प्रोसेसर देखने मिलता है जो दोस्तों अभी तक किसी भी डिवाइस में इतने कम प्राइस में देखने के लिए नहीं मिला है। तो फिलहाल दोस्तों, दोनों डिवाइस के बारे में यही थी। ऐसे में दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स एंड ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको इन दोनों से कौन सा डिवाइस वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लगा प्राइस और स्पेसिफिक के हिसाब से। तो फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।